If you're interested in science, then don't forget to subscribe and also click on the bell notification icon for future updates. Hi Sunil. Hey, hi, what's up? I'm good. Fever. That's a good topic actually. Yep. Let's begin. Fever. नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर रेंज करता है 97 से 99 डिग्रीज फ़ारेनहाइट तक। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस की। सो हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का वो पार्ट है विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन इन बॉडी टेम्परेचर। अब एक केमिकल कंपाउंड है जिसका नाम है पायरोजेंस। पायरोजेंस को जैसे ही हाइपोथैलेमस डिटेक्ट करता है वैसे ही वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करना स्टार्ट करता है। अब ये पायरोजेंस आते कहाँ से? पायरोजेंस कई जगह से आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के किसी पार्ट में अगर ट्रबल डिटेक्ट हुआ तो पायरोजेंस हमारे ब्लड स्ट्रीम के थ्रू हमारे हाइपोथैलेमस तक पहुँचते हैं और हमारे हाइपोथैलेमस को ये संदेश पहुँचता है कि वो हमारे बॉडी टेम्परेचर को बढ़ाए। पायरोजेंस कोई बॉडी टिश्यूज़ भी क्रिएट कर सकते हैं। इवन कुछ पैथोजेंस जो डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं वो भी पायरोजेन केमिकल को क्रिएट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं ताकि वो हमारे ब्रेन तक जाए और हमारे हाइपोथैलेमस उसको डिटेक्ट करके हमारी बॉडी टेम्परेचर बढ़ाए ताकि उस हाई बॉडी टेम्परेचर से जितने भी पैथोजेंस हैं जो टेम्परेचर को सेंसिटिव हैं वो सारे मर जाए। वंस वी आर डन विद द किलिंग ऑफ द पैथोजेंस तो क्या होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर दोबारा से कूल डाउन होता है, हाइपोथैलेमस उसको कूल डाउन कर देता है। कूल डाउन किस प्रोसेस से होता है? इट्स डन बाय अ प्रोसेस कॉल्ड प्रेस्पिरेशन। क्या होता है? प्रेसिपिटेशन, फोटोसिंथेसिस, प्रेस्पिरेशन। हाँ, सो वंस वी आर डन विद द किलिंग ऑफ द पैथोजेंस एंड हार्मफुल बैक्टीरिया हमारी बॉडी का टेम्परेचर वापस से लोअर डाउन होता है 98 डिग्रीज फ़ारेनहाइट विच इज़ द बॉडी टेम्परेचर। तो ये होता है बाय द प्रोसेस नोन एज परस्पिरेशन। परस्पिरेशन के थ्रू आपकी बॉडी के थ्रू स्वेटिंग होती है जिससे आपके बॉडी में जितनी भी हीट होती है वो सारी ड्रेन आउट हो जाती है, राइट? अब जितने भी छोटे बच्चे होते हैं उनमें फीवर का रेट हायर होता है एज़ कम्पेयर टू बड़े लोग, क्योंकि उनका जो हाइपोथैलेमस होता है और जो पायरोजेन को डिटेक्ट करने की कैपेबिलिटी होती है वो काफ़ी न्यू होती है एज़ कम्पेयर टू बड़े लोग, तो इसलिए उनका रेट ज़्यादा होता है। बट इट शुड बी केप्ट इन माइंड कि अगर उन्हें कॉन्स्टेंट फीवर्स आ रहे हैं या 104 डिग्री से ज़्यादा की फीवर है तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ये भी कहा जाता है कि अगर आपको बहुत हाई फीवर है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड इनटेक ले, जूस ले या फिर पानी ले, बिकॉज आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। सो ध्यान रखें। So that was it for today guys. If you like this video then don't forget to give it a thumbs up and also click on the subscribe button for more such videos. Also, if you're interested in behind the scenes, more personal interaction, photos and stuff then don't forget to follow us on Instagram. Links yahan upar kahi hai aur niche description mein bhi hai. Because now yaar short ke beech mein tu to garam ho raha hai bro. Ha thoda sa dawai lega bro. Thanks. You are a bit smarter than before bro. You're a bit smarter than before. सर आप चीनी कितनी लेंगे? पारी आई नीड यू टू कम बैक।